तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रॉम्पटन के स्टॉक के बारे में। क्रॉम्पटन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 1.30% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक में 3099 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन को यहाँ पर स्टॉक में 319, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 340, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 353, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 375, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 389-400 तक के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट के कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 301 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 293, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 283 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।